रेल मंत्रालय ने लिया बहुत ही बड़ा फैसला। आरएसयू वेट लिस्टेड पैसेंजर को मिली बहुत ही बड़ी खुशखबरी। दोस्तों बता दें, वेट लिस्टेड पैसेंजर जिनका टिकट है और आरएसयू जिनका टिकट है, उनके दोस्तों रेल मंत्रालय ने एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे फैसला लिया है। आपको तो बता दें, आरएसयू और वेटिंग टिकट यात्रियों को चलती ट्रेन में बर्थ के लिए आपको बता दें एआई के तकनीक के इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद दोस्तों टीटी की मनमानी जो है नहीं हो पाएगी और टीटी जो है आपका बर्थ जो है किसी और को कुछ ले दे के यहाँ पर नहीं दे पाएगा। अब जिसका यहाँ पे नंबर होगा, यानी जिनका आरएसी वन होगा या वेट लिस्टेड वन होगा, उन्हीं का टिकट जो है चलती ट्रेन में कंफर्म होगा। आइए दोस्तों संपूर्ण डिटेल आज के इस वीडियो में आप सभी को बताते हैं क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या तकनीक यहाँ पर रेलवे डेवलप कर रहा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। दोस्तों बता दें, भारतीय रेल यात्रियों को सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए नए प्रयोग यहाँ पर करते रहता है। जैसा कि दोस्तों वंदे भारत ट्रेन से लेकर अमृत भारत ट्रेन, साथ साथ दोस्तों रेलवे जो है अब दोस्तों एआई तकनीक यानी कि दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर बर्थ को अलॉट करने में इस्तेमाल करने वाला है, जिसके बाद दोस्तों टीटी की मनमानी यहाँ पर नहीं चलेगी और टीटी जो है कुछ ले देकर किसी और को यहाँ पे बर्थ नहीं दे पाएगा। आपको बता दें दोस्तों, रेलवे यहाँ पे काफ़ी परेशानी होता है दोस्तों, जो भी यहाँ पे पैसेंजर जो है जो ट्रेन में बोर्ड नहीं करते हैं दोस्तों, उसको टीटी जैसा उसको मार्क कर देता है नॉट बोर्डेड। अब वो दोस्तों जो दूसरे पैसेंजर होते हैं वो वहाँ पे कुछ पैसे देकर या दोस्तों कुछ यहाँ पे ले देकर वो टीटी जो है उनको यहाँ पर सीट जो है अलॉट कर दिया जाता है, जिसके दोस्तों आपने यहाँ पर देखा भी होगा या आप दोस्तों हो सकता है किसी यात्री ने ऐसा किया भी होगा, उनको सीट की ज़्यादा जरूरत होती है, टीटी कुछ ले देकर यहाँ पर सीट अपना कंफर्म करा लेता है। दोस्तों मौजूदा यहाँ पर समय की बात करें तो यहाँ पर चार्ट बनने के बाद जो भी टिकट यहाँ पर कैंसिल होते हैं, ट्रेन में सफ़र यात्री नहीं करते हैं, इसको सूचना जो है टीटी के पास रहती है। इन बर्थ दोस्तों टीटी वेटिंग या आरएसी टिकट के यहाँ पे क्रम देता है या नहीं, ये रेलवे को पता नहीं चल पाता। बताया कि यहाँ पर कोच में किसी भी यहाँ पे कंफर्म सीट पे अगर एक कोच में 5 यात्री नहीं आते हैं तो ऐसे में दोस्तों टीटी जो है मनमानी करके आरएसी 1 या 2 को बर्थ ना देकर 3 या 7 नंबर वाले को बर्थ यहाँ पर दे देता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बर्थ खाली की सूचना यात्री के पास नहीं होती है, इसके चलते जो टीटी जो है अपनी मनमानी कर देता। अब दोस्तों एआई तकनीक के इस्तेमाल से आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर राहत देने जा रहा है यात्रियों को। इसमें दोस्तों खाली बर्थ को सीट जो है क्रमवार वेटिंग और आरएसी को यात्रियों को मिल सकेगा। ऐसे में दोस्तों यात्रियों के पास चलती ट्रेन में मैसेज पहुंच जाएगा कि आपका जो है सीट जो है यहाँ पर कंफर्म हो गया। जैसे कि दोस्तों टीटी के पास अब हैंड टर्मिनल डिवाइस है, वहाँ पर सीटी मार्क कर देंगे कि ये आपको बता दें कंफर्म सीट वाले यात्री नहीं आया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है वो उनको सीट कंफर्म हो जाएगा। मौजूदा समय में दोस्तों 800 करोड़ यात्री सालाना ट्रेन में यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। इसके लिए दोस्तों मेल पैसेंजर यहाँ पर सभी तरह के ट्रेन मिलाकर 10,748 ट्रेन का संचालन कर रहा है। अब दोस्तों इस तकनीक से यात्रियों को काफ़ी यहाँ पर राहत मिलने वाली है। जो भी दोस्तों तमाम यहाँ पर आरएसी वेट लिस्टेड टिकट के यात्री हैं उनको यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे आरामदायक सफ़र यहाँ पे हो सकता है। चलती ट्रेन में दोस्तों आपका सीट यहाँ पे कंफर्म होगा। अगर आप दोस्तों आरएसी और वेटिंग लिस्ट के टिकट हैं आपके पास, आरएसी वाले तो ऑनलाइन भी चलेगा, वेटिंग टिकट वाले सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काउंटर से लिए होने चाहिए, और ट्रेन में अगर वो बोर्ड करते हैं तो उनका भी सीट यहाँ पर कंफर्म होने वाला है। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसे नीचे कमेंट जरूर होता है, और नई अपडेट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद।